तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज अपना टॉपिक है एक चित्र एग्जाम में आता है उसको देखकर आप उसके बारे में 5 लाइन या 6 लाइन या 7 लाइन लिखनी पड़ती हैं, वो कैसे करते हैं, उसके बारे में जो भी खाली स्थान आता है वो भरनी होती हैं, या कुछ शब्द दे दिए जाते हैं 5 6 शब्द, उनके सहारे से आपको ये सब जो हैं जो खाली जगह होती हैं या वाक्य निर्माण करने पड़ते हैं वो आपको कैसे करने हैं। जैसे चित्र में दर्शाए गए हैं, पहले उसके हिंदी में सोचना है जैसे क्या दर्शाया गया है, फिर आपको उसमें संस्कृत में अनुवाद करना है। विभक्ति, वचन और लिंग, इन तीनों को आप ध्यान में रखते हुए इनका अनुवाद संस्कृत में करते हैं। जैसे सह ताऊ ते तम ताऊ तान का अध्ययन किया, उसी प्रकार एक वचन में अगर एक है तो एक वचन आएगा, दो हैं तो द्विवचन आएगा, और बहुत सारे हैं तो बहुवचन आएगा। इसी के माध्यम से वाक्य निर्माण का कार्य संभव हो सकता है। एक चित्र आता है आपके एग्जाम में, हर बार आता है कि ये जो चित्र है इस चित्र में क्या दर्शाया गया है, इनका वर्णन करना है आपको। अब आपके जो सिलेबस में है उसका मैं जो जिक्र कर रहा हूँ, एक नदी है, नदी के ऊपर पुल है, पुल के नीचे से नदी बह रही है, और एक कुत्ता है, कुत्ते को मतलब एक हड्डी हड्डी का टुकड़ा मिलता है और वो नदी के ऊपर जाता है। अब एक कहानी हो गई। अब इस कहानी के कहानी जो क्या कहना चाहती है, आपने भी ये कहानी सुनी होगी। अगर एग्जाम में आ जाए तो 5 6 लाइन कैसे लिखनी है वो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मंजूषा में दी गई है, कुक्रह नदी जलम अस्थि खंड सव प्रतिबिंबम लोभ सव सव स्थान। तो ये जो शब्द हैं, जो इन शब्दों के माध्यम से हमको ये जो वाक्य है इनका निर्माण करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं, जैसे अस्थि खंड है तो हम एक वाक्य बनाते हैं, एकदा कश्चित कुक्रह एकम अस्थि खंड प्राप्तनेसु, यानी कि एक समय एक कुत्ते ने को एक हड्डी का टुकड़ा मिला या प्राप्त किया। फिर 2 नंबर, स अस्थि खंड मुखे गृहीत्वा गच्छन् आसीत्, वह उस हड्डी के टुकड़े को मुंह में दबाए हुए आ रहा है। तदा सह मार्गे नदी जल सौ प्रतिबिंबम अपश्यत, यानी कि फिर वह उसी मार्ग पर एक नदी जल, नदी के जल में उसका प्रतिबिंब यानी कि दर्पण में नदी के जल में उसका ही चेहरा दिखाई देता है। फिर सौ प्रतिबिंबम अन्य कुकरम मत्वा सह तस्य अस्थि खंडम प्राप्तुम अचिंत्यत, फिर वह सोचता है कि ये तो कोई दूसरा कुत्ता है, ये क्या है, कोई दूसरा कुत्ता है जो मेरे से हड्डी का टुकड़ा मांग रहा है या मेरे सामने आवाज कर रहा है। फिर 5वां वाक्य है, सह कुक्रह लोभेन तस्य अस्थिखंड प्राप्तुम मुखम उद्घाटयति, फिर वह उसको देखकर वह सोचता है कि इस ये कुत्ता दूसरा कुत्ता है जो मेरे से हड्डी का टुकड़ा खोल लेगा। फिर वह भौंकने के लिए मुंह को खोलता है। फिर आगे क्या होता है, तदा तस्य अस्थि खंडम मुखा जले पतति तेन दुखी भूत्वा सह सव स्थाने गतः, फिर वो जैसे मुंह खोलता है तो वो हड्डी का टुकड़ा है जो नदी में गिर जाता है और वह दुखी हो जाता है और वह अपने वापिस जो स्थान था वहां पर जाकर बैठ जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये एक कहानी का टॉपिक जो एग्जाम में आता है आपको समझ में आया होगा, और वाक्य निर्माण कैसे हो गए होता है वो भी समझ में आएगा आया होगा। धन्यवाद।